और हाँ, ये रिपोर्ट्स लेती जाना, अगर चाहो तो किसी और हॉस्पिटल से। नहीं किरण, मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना रिजवान पर। जिया, तुमसे नहीं बात करनी, मैंने मैंने अपने बेटे रिजवान शाह से बात करनी है। क्या आपका बेटा रिजवान शाह? चलो देर से ही सही, लेकिन बानो आंटी ने हमारा रिश्ता कबूल तो किया। बहुत खुश हूँ आज मैं। रिजवान, अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी ने तुमसे माफी मांगी। सना, तुम्हें पता है अम्मी मान गई हैं और वो कल आ रही हैं। प्लीज अच्छा सा खाना तैयार करवा देना। ये तो बहुत अच्छी बात है जिया, तुम फिक्र ही मत करो, बहुत अच्छा एहतमाम करूंगी मैं। डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है, बेबी हेल्दी और एक्टिव है। बहुत अच्छी बात है। बेटा है या बेटी? ये तो हमने पूछा ही नहीं रिजवान। तो जिया पूछने की क्या जरूरत है, जो अल्लाह दे बस खैर खैरियत से दे। अरे ये क्या बात हुई, पता तो करो बेटा है या बेटी है। मेरा मतलब है कि शॉपिंग करनी है, तैयारियां करनी है इतनी। हाँ रिजवान, आप मुझे मॉल लेके जाइएगा, एक एक चीज मैं अपनी पसंद की खरीदूंगी, उसके जूते कपड़े खिलौने सब कुछ। और हाँ, हम तीनों बाहर घूमने भी जाया करेंगे, मैं आप और हमारा बेबी। अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम कह रही हो वैसे ही करेंगे, लेकिन अभी खाना खा लो। कितना गरूर है ना जिया को औलाद पे, लेकिन अल्लाह मियां मेरा क्या कसूर है? आपने मुझे क्यों इस नेमत से महरूम रखा है? क्यों क्यों? ना ये तू क्या कह रही है, बानो इस घर में आएगी? सही कह रही हूँ भुप्पी, अभी वहीं से आ रही हूँ। जिया ने ऑर्डर भी दिया कि खाना भी तैयार करना। खाने तो बन जाएंगे, आने तो तू उससे पहले। पर ये सब कैसे हो सकता है, वो तो कभी चाहती नहीं थी कि जिया माँ बने। मुझे खुद किरण ने बताया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए तो जिया की माँ ने माफी मांगी है रिजवान से। लेकिन पप्पी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जिया माँ के साथ मिलके बच्चे का खून ही करते और फिर आपकी नस्ल तो खत्म। अल्लाह ना करे, को खैर की बात मुंह से निकाल। ये बच्चा ना रहा तो वो भी नहीं रहेगी। कर लेने दे उसे अपनी सारी कोशिशें, फिर देख मैं क्या करती हूँ उसके साथ। क्या मतलब पप्पी, आप वाकई जिया को घर से निकाल देंगी? घर से मैं उसे रिजवान शाह की जिंदगी से निकाल दूंगी, हाथ में तलाक नामा पकड़ा के। लेकिन पप्पी, तलाक तो आपके इख्तियार में नहीं है ना। पहले तो मैं दुआ करती हूँ ये वक्त आए ही ना, पर जो ये वक्त आ गया ना तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कर दिखाऊंगी। तू भी देख लेना। किरण,
मैंने तुम्हें आज एक खुशखबरी सुनानी है। आपा ने रिजवान शाह के साथ बात की है, माफी मांगी अपने रवैये के लिए। क्या? हाँ बेटा, चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है जो तेरी अम्मी ने तेरे और रिजवान शाह के रिश्ते को कबूल कर लिया। जी आंटी, और ये पहली बार हुआ है, वरना अम्मी तो मरते दम तक जिद नहीं छोड़ती। माँ है ना, औलाद से कब तक नाराज रह सकती। ना तो अब मुझे ही देख ले, तेरा शौहर मेरे साथ कितनी बदतमीजी करता है, पर मैं फिर भी उसे माफ कर देती हूँ अपने पोते की खातिर। जिया तू नहीं जानती मुझे कितना अरमान है रिजवान शाह का पुत्र देखने का। मैं समझ सकती हूँ आंटी। वैसे किरण ने तेरा कितना ख्याल रखा है ना? किरण बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखती है, अब तो मुझे बहुत आदत हो गई है उसकी। बस प्यार की भूखी है, उसको बहन करके बुला दो तो सारे काम कर देगी, मेरी सारी गलतियां माफ कर देती है। आप देखिएगा जब मेरा बेबी होगा ना, कैसे ख्याल रखेगी उसका। अल्लाह खैर करे, ये बेबी दुनिया में तो आए, मैं तो इसे अपनी गोदी से ना उतरने दूं, इतना प्यार करूं कि बस। अरे रब सोना खैर का वक्त लेकर बस। आमीन। तेरे लिए जूस भी लेके आती हूँ। सायरा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और वही ने तो इतनी दफा जिक्र किया है किरण का, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, जितना उससे कहा है उसे कहीं बढ़कर। शुक्रिया। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके घर आना चाहूंगी, दरअसल मैं वहीद के लिए लड़की ढूंढ रही। अच्छा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मेरा फोन नंबर ले लें, आने से पहले मुझे कॉल कर लेना। जिया क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है? इस बार बहुत तकलीफ हो रही है। पानी पियो। जी अब थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। थोड़ी सी तकलीफ रिजवान, आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं। जिया हौसला तो करना पड़ेगा, ऐसे ही अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत थोड़ी रखी है। मैंने आपको भी मुसीबत में डाल दिया ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे कभी भी मुसीबत में नहीं डालती है। अच्छा अगर पेन ज्यादा है तो मैं किरण को फोन कर लूँ? नहीं, ठीक हो जाऊंगी अभी। आपा रूबी बहुत अच्छी औरत है, माशाल्लाह बड़ा खाता पीता खानदान है, और हमारी किरण को भी बहुत पसंद करते हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, बस एक किरण है कि बड़बड़ाई जा रही है कि शादी नहीं करनी। हेलो। हेलो डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट देख रही थी। हाँ, यानी कि अल्लाह को याद कर रही थी। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अल्लाह याद करवा दिया, वरना तो मैं। अरे अल्लाह को कौन भूल सकता है, बस थोड़ी सी फिक्र की जरूरत होती है। हाँ, बेफिक्र होकर तो जानवर भी जिंदगी गुजार देते हैं। आपको मेरी अम्मी पसंद आई? तुम्हारी अम्मी, अम्मी तो अम्मी होती है, पसंद ना पसंद वाली कौन सी बात है। मगर मेरी अम्मी को तो आप बहुत पसंद आएंगे।
अच्छा वहीद, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके ओके। हेलो रिजवान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किरण प्लीज तुम आ सकती हो, जिया की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा मैं आती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। बस हौसला कर रिजवान, वो तेरे से किसी और अस्पताल ले जा, नहीं तो किरण को फोन कर, उसे कह जल्दी से आ जाए। पानी, उसे पानी पिला दे। मैंने किरण को फोन किया, वो आ रही है अभी, और आप उसको पानी दे। हाँ है, अभी उसने पानी पिया और बार बार पानी पिए जा रही, और वो भी इतना ठंडा पानी। अम्मी दे देना अभी पानी। आप मुझे हॉस्पिटल ले जाए, मुझे मरना नहीं है, मेरा ऑपरेट करवा दे। जिया देखो, मैंने किरण से बात की है, वो आ रही है, थोड़ा सा तो सब्र रखो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। बेटा ना घबरा, ऐसे वक्तों में ऐसे ही होता है, हौसला कर थोड़ा सा। समझाएं इसे अम्मी। समझा रही हूँ, वो तो तकलीफ में, तो हौसला कर, क्या हो गया। सुहाना आपको बुरा लग रहा है। जिया मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। रिजवान दोबारा फोन कर किरण को, कहाँ रह गई है। अच्छा मैं करता हूँ फोन। कहाँ रह गई है। बस 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 बस, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मानो बहन सफिया, मेरे घर के तो नसीब जाग गए आज खैर से। बड़ी खुशी हुई आप दोनों को देख के। जिया कैसी है। बहुत तकलीफ में है, पर ठंडा पानी पिए जा रही है, और जरा मियाँ को देख लो, पिलाई जा रहा है, पिलाई जा रहा है। क्या वो ठंडा पानी पिला रहा है, आपने मना क्यों नहीं किया। इसी वजह से उसे दर्द हो रहा है। भला ऐसी हालत में ठंडा पानी कौन पीता है। आप इन बातों का ख्याल तो जिया को खुद रखना चाहिए ना। भाई बानो बहन, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी तो नहीं कोई सुनता यहाँ। मैं देखती हूँ। आप उतर, तू ही देख, उसको समझाई अच्छी तरह से। को मुश्किल पड़ गई तो क्या कर? अब बैठे ना, बैठे मैं चाय पानी का इंतजाम कराती हूँ। ये क्या पागलपन है, ठंडा पानी पी पी कर बेरा घर कर दिया अपना। मैं जितना संभालती हूँ उतना ही बिगाड़ देती हूँ सब कुछ। किरण मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, अगर तुम बेवकूफियां ना करो तो। किरण मैं मरूंगी तो नहीं। जिया मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाथ मेरी बेटी ने भी भला क्या खुशियां देखी, शादी भी हुई तो बस ऐसे ही। जो कुछ हुआ है ना बानो बहन, आपकी जिद की वजह से ये मजबूरन जिया को और रिजवान को एक कदम उठाना पड़ा है। कबूल तो मैंने भी नहीं था किया इस शादी को, पर बच्चे का सुन के खामोश हो गई थी मैं। आपको तो पता है ना, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे पुत्र की औलाद है। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जिया की तबीयत का सुना तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए आ गया। अरे बहुत अच्छा है कि आप लोग आ गए, आपका अपना घर ही तो है। अम्मी सना से कहें कि सायरा को
बोल के खाना लगवा दे। हाँ हाँ पुत्र कह दिया है, तू फिक्र ना कर। अच्छा बता जिया की तबीयत कैसी है अब? वो किरण देख रही है इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। किरण मेरे हर दुख का मदावा सिर्फ तुम्हारे पास है। इतना भरोसा करती हो मुझ पर दुनिया में सबसे ज्यादा। वैसे मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। वो दिन कयामत तक नहीं आ सकता किरण। हाँ जिया वो दिन कभी नहीं आएगा। किरण रिजवान पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहने लगे हैं। जब भी मुझे दर्द होता है उन्हें ऐसे लगता है जैसे मैं कोई बहाना कर रही हूँ। नहीं जिया रिजवान तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसे भी अपनी औलाद प्यारी है ना। ये मर्द ना बहुत खुदगर्ज होते हैं। जब तक बीवी माँ नहीं बनती बीवी के आगे पीछे घूमते हैं और जैसे ही माँ बन जाए तो बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। बीवी को तो भूल ही जाते हैं। जिया तुम देखना जब तुम माँ बनोगी ना तुम भी रिजवान को बिल्कुल भूल जाओगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे ये लॉकेट कितना खूबसूरत है, तुमने खरीदा है? नहीं किसी ने मुझे दिया है। कसम से कैसा है वो इंसान? तो बहुत अच्छा है। मैं तुमसे मिलवाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शुक्र है तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा आया और ऐसा आया कि मुझे जीना सिखा दिया, आखिरत सवार दी मेरी। अभी तो मैंने इसे दो इंजेक्शन लगाए हैं, वो भी अपने पास से। वो भी जाली होंगे।